अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। केला, बनाना जिसे आप कहते हैं, जानते होंगे, खाते भी हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है कि इसके फ़ायदे क्या हैं? इसके ज़रिए से हम कौन कौन सी बीमारियों का इलाज कर सकते हैं, तबीबों ने क्या बयान किया है, आज आपके सामने हम पांच ऐसी चीज़ें रखेंगे कि इंशाल्लाह सुनकर आप मचल जाएंगे कि ये चीज़ें और इतनी फ़ायदेमंद चीज़ है, लेकिन हम इसे सही तरीके से इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं। केला ये बहुत पसंदीदा फलों में से एक फल है, हर कोई इसे पसंद करता है, खाना अच्छा लगता है, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि इसके फ़ायदे क्या हैं। सेब के मुताल्लिक कहा जाता है कि सेब को इस्तेमाल करो, क्योंकि सेब का इस्तेमाल ये डॉक्टरों से दूर रखेगा, यानी सेब के अंदर इतना फ़ायदा है कि आपकी बहुत सारी बीमारियां आपके बॉडी से यूँ ख़त्म हो जाएंगी कि आपको डॉक्टरों के दरवाज़े पर चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा, जबकि केला इससे कहीं ज़्यादा फ़ायदेमंद है, इससे कहीं ज़्यादा फ़ायदेमंद है और इससे कहीं ज़्यादा खूबियां इसके अंदर हैं। फरमाया जाता है कि इसमें सेब की बनिस्बत 4 गुना ज़्यादा प्रोटीन है, 2 गुना ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट है, 3 गुना ज़्यादा फास्फोरस है, 5 गुना ज़्यादा विटामिन ए और दीगर विटामिन्स और मिनरल्स पाए जाते हैं, सेब से ज़्यादा है इसके अंदर। अब वो 5 बीमारियाँ जिनमें केला बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है, उनके बारे में सुनते हैं, समझते हैं, और अगर हम में से किसी के अंदर हो तो इस पर अमल करें, ज़रूर फ़ायदा होगा। नंबर 1, ब्लड प्रेशर। माहिरीन सेहत का ये मानना है कि केला ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखता है। इसमें जो पोटाशियम होते हैं, इंसानी जिस्म में मौजूद खून की गर्दिश को मामूल के मुताबिक रखता है। माहिरीन सेहत के मुताबिक रोज़ाना केले का इस्तेमाल दिल की बीमारियों से दूर रखता है और ब्लड प्रेशर को बढ़ने से रोकता है। रोज़ाना ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम एक केला तो इस्तेमाल कर लें, और कोई महंगी चीज़ भी नहीं है, लेकिन फ़ायदे इसके बहुत ज़्यादा हैं। कुदरती फल है और बहुत ज़्यादा इसके अंदर विटामिन्स, पोटाशियम, ये सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। तो ये पहला फ़ायदा। दूसरा फ़ायदा, डिप्रेशन। माहिरीन सेहत का कहना है कि केले में मौजूद प्रोटीन की कसीर मकदार इंसानी जिस्म में खुश रखने वाले हारमोन्स को बढ़ा देता है। यानी कहते हैं कि रोज़ाना 1 केले का इस्तेमाल इंसानी मूड को फ्रेश रखता है, यानी इंसान को टेंशन में नहीं आने देता है, इसलिए कि इसके अंदर जो प्रोटीन होती है ना, तो हमारे जिस्म के अंदर जो हारमोन्स होते हैं जो हमें खुश रखते हैं, उनको ये बढ़ा देता है, तो खुशी में इजाफा होती है और टेंशन कम होता है। और कहते हैं कि डिप्रेशन जैसी बीमारी से ये निजात दिलाता है। इसके अलावा इंसान की याददाश्त को भी केला मजबूत करता है। नंबर 3, कब्ज़। आज कब्ज़ के मरीज तकरीबन आप देखिए कि हर जगह मौजूद नज़र आते हैं, परेशान नज़र आते हैं। माहिरीन सेहत का कहना यह है कि बाकायदगी से केले के इस्तेमाल से आंतों की हरकत मुनज़्ज़म रहती है और कब्ज़ की शिकायत से बचाव होता है। डेली 1-2 केले इस्तेमाल करना हमारे लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है, हर परिवार तकरीबन इसका इस्तेमाल कर सकता है। नंबर 4, दिल के लिए केला बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। कहते हैं माहिरीन सेहत कि केला दिल की धड़कन के लिए बेहद फ़ायदेमंद है। इसमें विटामिन बी और सी के कई किस्में मौजूद हैं जिनका काम इंसानी जिस्म की कुव्वत मुदाफ़ात को बढ़ाना है और आसाबी निज़ाम को बेहतर बनाना है। यानी ये दिल के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। नंबर 5, पेट का दर्द। केले में विटामिन B6 का ज़खीरा मौजूद होता है जिसका काम इंसानी जिस्म में मौजूद खून में ग्लूकोज लेवल को मजबूत रखने में मदद दिलाता है। इसके अलावा केले का इस्तेमाल
ख्वातीन के लिए बेहद ज़रूरी है, खुसूसन उनके ख़ास अय्याम जो माहवारी के होते हैं, पीरियड्स के होते हैं, जब उन्हें पेट में दर्द की तकलीफ़ से दो चार होना पड़ता है, उस वक्त वो केले का इस्तेमाल करें, क्योंकि केला पेट के हर किस्म के दर्द को दूर रखता है। तो ये पांच फ़ायदे हैं जो ज़ाहिरी तौर पर हमें नज़र आ जाते हैं, क्योंकि केला एक कुदरती फल है और बहुत सस्ता भी है और इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी हैं। लिहाजा रोज़ाना एक दो केले इस्तेमाल करने की ज़रूर कोशिश करते रहें, ताकि इसके फ़ायदे हासिल कर सकें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।